दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कक्षा 12 का मैथ का दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर, तो R समुच्चय यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या यानी कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, हर समुच्चय वास्तविक संख्याओं का है, रियल नंबर्स का, तो R हो गया। इसके बाद रिलेशन संबंध दिया हुआ है, संबंध जैसा दिया हुआ है a कॉमा b, a इज लेस आर इक्वल टू b स्क्वायर, और इसमें चेक करना है, बताना है ना तो समतुल्य ना तो सममित ना संक्रामक, इसलिए चेक करते हैं। जहाँ भी वास्तविक संख्याओं के बारे में पूछे तो आपको समतुल्य चेक करने के लिए 1/2 ले लेना है। जैसे क्यों ले लेना है, बिलोंग टू आर यानी वास्तविक संख्याओं से इसका संबंध है। अब ये बताइए 1, 2 क्या यह इससे छोटा होगा? अब देखिए जो है 1/2 डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1/4, इसका आएगा 0.5 और ये आएगा 0.25, बड़ा ये वाला है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह समतुल्य नहीं है। अब सममित चेक करना, तो सममित चेक करना है 1, 2 माना 1, 2 बिलोंग्स टू आर अर्थात 1 यानी कि 2 के वर्ग से 1 छोटा है ना, लेकिन अगर इसे उल्टा कर दें, इधर 2 लिख दें और इधर 1, क्या 1 के वर्ग से 2 छोटा है? नहीं ना, अर्थात 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह तो ना तो समतुल्य ना तो सममित, संक्रामक चेक करते हैं। तो चलिए इसमें संक्रामक चेक करने के लिए चलिए मान लेते हैं 2, -3 बिलोंग्स टू आर, अर्थात 2 छोटा है -3 के वर्ग से, -3 का वर्ग अर्थात 3 से 2 छोटा है। फिर -3, -3, 1 बिलोंग्स टू R, अर्थात -3 छोटा है 1 के वर्ग से, ठीक। अब यहाँ पे 2, 1 अर्थात 2, 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो यानी कि अब जो 2 जो है वो 1 के वर्ग से छोटा होना चाहिए, ऐसा है नहीं, 1 और 1 के वर्ग से 2 छोटा नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा, अतः यह ना तो समतुल्य ना तो सममित ना ही संक्रामक है। तीसरा क्वेश्चन है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर दिया हुआ है, a, b सच दैट b बराबर a+1, इसमें समतुल्य सममित संक्रामक चेक करना है। जैसे ये दिए हुए हैं, अब रिलेशन को पूरा करते हैं, तो रिलेशन अगर हम a = 1 रख दें तो b = 2 आएगा, यदि 2 रख दें तो 3 आएगा, 3 रख दें तो 4 आएगा, 4 रख दें तो 5 आएगा, 5 रख दें तो 6 आएगा, 6 रखते 7 आएगा, लेकिन समुच्चय में ये अव्यय नहीं है, तो तक 76। अब इसमें सबसे पहले समतुल्य चेक करेंगे, समतुल्य तो समतुल्य होता है a belongs to a फॉर ऑल, a, a belongs to R होना चाहिए, तो यानी कि 1 belongs to a, 1, 1 belongs to R होना चाहिए, जो कि नहीं है, अतः यह समतुल्य नहीं है। तो सममित की कंडीशन a, b belongs to R, b, a belongs to R, अर्थात 1, 2 belongs to R है, तो 2, 1 भी belongs to R होना चाहिए, 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, अतः यह सममित भी नहीं है। सबसे पहले होना चाहिए a, b belongs to R, b, c belongs to R, a, c belongs to R होना चाहिए, अर्थात 1, 2 belongs to R है, 2, 3 belongs to R है, तो 1, 3 भी
आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। अतः यहाँ तो स्वतुल्य ना तो सममित ना ही संक्रामक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन है कि आर समुच्चय आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य समय संक्रामक इसमें चेक करना है। अब जैसे आर समुच्चय दिया है, वास्तविक संख्या हो वास्तविक संख्या एक्स लेके इन्फिनाइट इधर उधर कहीं भी कुछ भी हो सकती है। तो चलिए तो उस पर स्वतुल्य चेक करना है। तो सबसे पहले अगर मान लें फिर से वही कंडीशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कॉमा ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अगर मान लें एक बिलोंग्स टू ए है, अर्थात क्या एक एक से बड़ा या तो बराबर हो, तो एक एक के बराबर तो होगा, अतः यह सत्य है, बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो अब सममित चेक करते हैं। सममित सममित में सममित की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात मान ले एक एक दो से छोटा है, एक दो से छोटा होता है, लेकिन क्या दो एक से छोटा होगा? नहीं, अतः वह स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक दो से छोटा है, दो तीन से छोटा है, तो एक भी तीन से छोटा होगा, अतः यह स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। आज के अंतिम क्वेश्चन क्यों, तो जैसे क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या रियल नंबर्स में रियल नंबर आर ये रियल नंबर्स आर बराबर ए कॉमा बी सो दैट ए इज आर इक्वल टू बी क्यू। इसमें स्वतुल्य सममित संक्रामक चेक करना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य स्वतुल्य की कंडीशन सबसे पहले तो 1/2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात 1/2 एक वास्तविक संख्या है। तो अगर 1/2 का होल क्यूब जो कि बराबर नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद सममित देखते हैं। सममित में माना एक कॉमा दो बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक छोटा है दो के क्यूब से, अर्थात एक छोटा है दो के क्यूब से, लेकिन दो एक के क्यूब से छोटा नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक तो संक्रामक की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अर्थात सबसे पहले तो सबसे पहले देखते हैं 3/3/2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात तीन छोटा है 3/2 के क्यूब से, फिर 3/2 छोटा है 6/5 के क्यूब से, पर 3 छोटा नहीं है 6/5 के क्यूब से, अतः यह ना तो स्वतुल्य ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।